लोगों में, प्रदेश में एक जबरदस्त माहौल नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम किया है उसके प्रति है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता भी नहीं है। गमंडिया गठबंधन के लोग ये आपस में इकट्ठा हुए हैं। बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, बहुत अच्छा प्रचार भी चल रहा है। अभी हमारी कुछ विधानसभाएं की रैलियां तो रह गई हैं और लगभग 10-11 तारीख तक हम उनको पूरा कर लेंगे। उसके बाद हमारे केंद्रीय नेताओं के प्रदेश के अंदर कार्यक्रम शुरू होंगे और लोगों में, प्रदेश में एक जबरदस्त माहौल नरेंद्र मोदी जी के प्रति है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के प्रति है। नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को ईमानदारी से आगे बढ़ाने का काम किया है उसके प्रति है। लोगों में एक जोश उत्साह है और आज नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा से 10 की 10 कमल के फूल खिला करके बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे, क्योंकि उन्होंने गरीब के हित में काम किए हैं, गरीब को योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है और आज गरीबों में नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक बड़ा श्रद्धा का भाव है और नरेंद्र मोदी जी को लाइक करते हैं कि उन्होंने हर समय के ऊपर गरीब के साथ खड़े हुए नरेंद्र मोदी जी नजर आए हैं और उस कारण से लोग नरेंद्र मोदी जी कमल के फूल को वोट दे। ये तो इनका एक ड्रामा है, इनका लंबे समय तक का वो कार्यकर्ता रहा है जो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर कांग्रेस पार्टी को लीड करता रहा है और उसने इस प्रकार के बातें जो कांग्रेस ने अंदर बैठ करके मंथन किया था उन बातों को उसने बताया है कि ये कांग्रेस की सोच है, इस तरीके से अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो ये योजनाएं यहाँ लागू करने का काम करेंगे ताकि देश के अंदर अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाए। ये कांग्रेस की सोच रही है, कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के पास कोई नेता भी नहीं है। गमंडिया गठबंधन के लोग ये आपस में इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। देखिए, इनके पास कुछ होने वाला नहीं है और ये लोग मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। काम इन्होंने किए नहीं और जब काम इन्होंने किए नहीं तो लोगों ने इनको नकार दिया है, जनता ने इनको नकार दिया है और जब जनता ने इनको नकार दिया है तो अब ये सत्ता में आने वाले नहीं है, क्योंकि जब भी ये सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी आती है भ्रष्टाचार की गति बढ़ती है, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं, लोगों का शोषण करते हैं और लोगों को प्रताड़ित करने का काम ये कांग्रेस के लोग करते हैं। अब इनकी बातों में आने वाले नहीं है, इनको नकार दिया है और आने वाले समय के अंदर ये लोकसभा की हमारी 10 की 10 लोकसभा की सीटें तो आ रही हैं, परंतु अगर आप देखेंगे ये जब सितंबर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद कोई नाराज नहीं है। कोई भी मेरे पास सरपंच आते हैं, कल मैं सिरसा के अंदर था, 25-30 सरपंचों ने वहां पर आकर के ज्वाइन किया पार्टी, आपके चैनल्स के ऊपर चली होगी। कोई नाराज नहीं है, अगर नाराज कोई है तो कांग्रेस नाराज है और कांग्रेस इस प्रकार से पीड़ित है कि उन्होंने किया कुछ नहीं, उनको लोगों ने निकाल दिया है, वो जन का विश्वास खो चुके हैं। आज लोगों का विश्वास कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस ने देश के अंदर किया क्या है, दंगे करवाने का काम किया है। अरे आज 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में कोई दंगा दिखाई दिया है? इनके समय में हर रोज दंगे होते थे क्योंकि काम तो करते नहीं थे, इनके पास कोई विजन तो था नहीं और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाना ये इनकी थ्योरी थी कि आपस में लड़ाओ, फूट डालो, राज करो, ये नीति अंग्रेजों की लेकर के ये चले हुए थे। अब लोग समझ चुके हैं, अब ये लोगों का विश्वास खो चुके हैं क्योंकि इनके पास लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग 55 साल 60 साल सत्ता में रहे हों और फिर भी गरीबी हटाने की बात अगर राहुल गांधी करता है वो इनके लिए शर्मनाक है। ये कौन बोल रहा है?
विपक्ष कौन सा विपक्ष तो है दुष्यंत चौटाला को उसको पूछ तो लो उसके विधायकों ने क्या हालात किया उसका क्या हालात किया विधानसभा में उसके विधायकों ने उसके पास है क्या विधायक दुष्यंत चौटाला के पास आपके पास है मेरे पास नहीं मैं अपनी बात नहीं कर रहा मेरे पास तो है मैंने विश्वास मत हासिल किया है और जब विश्वास मत हासिल करने की बात आएगी समय तो फिर करूंगा फिर विश्वास मत हासिल करूंगा सरकार को कोई दिक्कत नहीं है।